हमें लग नहीं रहा हम कहाँ पे हैं, पता नहीं 11:15 हो चुके हैं रात के। हाँ। और हम खो चुके हैं। Heyo, what's up everyone? What's up Duskians? So आज हम आ चुके एक नए ब्लॉग के साथ, पर तुम्हें लग रहा होगा मैं अकेला खड़ा हूँ। हाँ यार, कॉज मैं अभी अपने घर पे हूँ। हम लोग जस्ट अभी जिम से आए थे, तो हम लोग बस अपने अपने घर जाके अभी नहाए धोए हैं। मैं अभी अपने घर पे ही हूँ, देन अभी मैं जाऊँगा प्यांगो पिक करने, हम लोग जाएंगे मस्ती करने। तो चलो मैं भी थोड़ा रेडी हो जाता हूँ, बिकॉज वो भी रेडी हो जाए तो मैं भी अच्छा दिखूँगा ना, तुम्हारा भाई बढ़िया लगना चाहिए ना। तो चलो फिर चलते हैं एंड मिलते हैं आगे उनके घर की ओर, या ट्रांसफॉर्मर को मिलता हूँ। सो नाउ आई एम रेडी, तो चलो उनको लेने चलते हैं और देखते हैं वो क्या रेडी हुई है नहीं, वरना भाई साहब फिर से आज वेट करवाएंगे। हम चलते हैं उनसे पूछते हैं कि वो तैयार हुई है नहीं, देन उनको लेके आएंगे। रेडी सब? सब चलोगे मेरे साथ लेने? चलो ठीक है चलते हैं। बाय बाय। ये रहा, तो ये है हमारी धन्नो, इस पर हम जाते हैं दिन भर घूमते हैं मस्ती करते हैं फुल। चला हम गाड़ी भी सकते हैं, पर हम जितना घूमते हैं सबसे हमारे लिए स्कूटी या बाइक ही ठीक है, क्योंकि यार रास्ते में फिर जाम मिलता है फिर हम दोनों ही चिड़चिड़े हैं। हाँ तो गाइस मैं ऑन द वे हूँ, देखो देखो इस दिन ले जाओ, सब जानते होंगे फ्लावर को, अपना शाहजरा का फ्लावर। भाई हम तो जमुना पहाड़ से हैं, तुम लोग कहाँ से दिल्ली में, जरा कमेंट करो यार, जिस स्टेट से हो कमेंट करो कहाँ से हो तुम लोग। जमुना पहाड़ी अत्याचारी, अब की बारी फुल तैयारी, मोटिवेशन सेलिब्रेशन, खून में ही वफादारी, लौंडे तेज लंबी गाड़ी, गाने लिख लिख के फाड़ी, जेब ही नहीं अपनी बात भी मैं रखता भारी। यार प्रियंका ने मुझे कहा था कि वो रेडी हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, देखते सीढ़ी उतरने में कितना लगती है। ओके सर मैं आ गया उनके घर के वहाँ, नाउ देखो कितने बज रहे हैं, हाँ 2:10 है ठीक है, लेट्स सी वो कितने में आते हैं अब। बाकी मैं तुम्हें उनकी कैलकुलेशन बताता हूँ, जब वो कहें 5 मिनट तो मतलब 20 मिनट, जब वो कहें 10 मिनट मतलब 30 मिनट, जब वो कहें 15 मिनट बस फिर समझो 1 घंटा, अभी 1 घंटा है, अभी उन्होंने कोई टाइम नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं आ रही हूँ फटाफट से, लेट्स सी कितने में आती हैं। तो महारानी पधार चुकी हैं, देखो देखो आँख में पता नहीं डिज़ाइन बना रखे हैं, हाँ मतलब मेकअप। तो देखो तुम लोगों के सामने टाइम देख लो कितनी देर में आई हैं, लुक मैंने लोगों को टाइम दिखा दिया 10 मिनट लगाए हैं पूरे, तो पता नहीं कैसे जल्दी आ गए थे। चलो चलते हम। मॉल कौन जा रहे हैं अपने मॉल शॉपिंग शॉपिंग करने क्यों तो हमारा H&M और Forever 21 तो बंद है भाई DLF में हाँ बहुत DLF ही बंद है मॉल DLF ही बंद है अभी तो बताया सीधा जाने फिर राइट लेने हाँ ठीक है राम में बात लॉल क्या लॉल पता मैंने इंस्टाग्राम पे एक मीम देखा था जिसमें लिखा होता कि जो लॉल बोलता है उस पर ट्रस्ट नहीं करते हाँ तो मत करो लॉल क्या है क्या है लॉल क्या
और ये गाड़ी लॉल, वो ट्रैफिक लाइट लॉल, बस। अरे मुझे घर से इरिटेटिंग इंसान, घर लॉल, कलर लॉल, लॉल कलर का, और जादू तो ना, और जादू तो ना। डांस। मतलब ये बंद नहीं हो रहा, पर एक नया खुल रहा है, नया खुल रहा है फॉर आवर क्लोथिंग हॉल। और हम लोग बहुत कपड़े देते हैं, ये एग्जैक्टली हम लोग बहुत सारे कपड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम लोगों को भी दिखे, तुम लोग भी देखो, है ना, तो हम मस्त मस्त कपड़े दिखाएंगे, तुम्हें दिखाया करेंगे क्या के लिए, कहाँ के लिए, कितने के लिए, राइट? क्या अगर इस वीडियो के अपलोड बन चुका होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, नहीं बना होगा तो नहीं होगी। मैनी मोर थिंग्स इन ग्रो बेबी, बेबीज नहीं, नो बेबीज, बेबी मी, ऑर्लैंडो के लिए, ये डज मी ऑर्लैंडो, तुम भी चिल्ला मत कर, संभाल लेते हैं सब कुछ, संभाल लेते हैं, नया चैनल आ रहा है बहुत बहुत। बेबी चंगा मेरा बेबी चंगा, हमारे फॉलोअर्स बेबी चंगे, हेटर्स देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे H&M भी वैसे और फॉरएवर 21 भी है, और ट्रेंड्स भी है, पर मैं ट्रेंड्स से नहीं लेता, मेरे को कपड़े नहीं देंगे, नहीं तो चल रहा, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, दो टू तो देखना एंड में ना ब्लॉग के सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े होंगे, देख लेना। गाइस बहुत सेक्सी मॉल है, हम भी खुद पहली बार आए आज, वही मजबूरी थी हमारी, वरना DLF से ही लेते हैं। मैं पहली बार नहीं आई, हाँ पर मैं पहली बार आया हूँ तो चलो दिखा दूँ तुम्हें कैसा मॉल है, लेट्स स्टार्ट। हाय, हेलो मैम, मैम प्लीज ऑटोग्राफ, मैम ऑटोग्राफ दे दो मैम, मैम नो मैम प्लीज। तो अभी ये वाली जीन्स डन हुई है, हमने इतने से छोटे से बैग में सारे कपड़े भर दिए उन्होंने फॉरएवर वालों ने बोलने तो हम H&M ढूंढ रहे हैं, ज़ारा ढूंढ लेते हैं, ज़ारा हो तो जो हमें ज़ारा या H&M में से जो पहले मिल जाएगा हम वो ले लेंगे, ठीक है चलो। कि मुझे खींच के कहाँ ले के आई है, उठाओ शैतान, खींच के ला गया मुझे यहाँ पर, इनको यूनिकॉर्न चाहिए, सबसे छोटी अच्छी यहाँ पे हुई है, यूनिकॉर्न भाई यूनिकॉर्न चाहिए, हेलो यूनिकॉर्न, मिल गया यूनिकॉर्न, हाँ मम्मी डांटेंगी, मेरे घर में बहुत सारे सॉफ्ट
चलो खुश पूरी शॉपिंग डन ढंग से हो गई। आज हमने करीब 1.5-2 महीने बाद शॉपिंग की थी। गरीब बिल्कुल बहुत गरीब बहुत ही गरीब हम 1.5-2 महीने बाद शॉपिंग की। आज तो चलो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। जुड़े रहो हमारे साथ। ओके सो शॉपिंग डन हो चुकी है। ये रहा हमारा सारा सामान, ये रहा हमारा खाना और अब ये हम आ गए खाना खाने के लिए। तो हम खाएंगे खाना बिकॉज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हम खाली पेट हो गए। वही तो इनकी डाइटिंग हो जाए कोई बात नहीं, मेरी नहीं होनी चाहिए वरना जिम वाले भैया डांटते हैं। मुझे भी डांटते हैं। हाँ बस हम खा लेते हैं। ये भाई साहब डाइटिंग के टाइम में पिज्ज़ा चल रहा होता है ना एक्स्ट्रा चीज़ वाला, मैंने नहीं खाया। कल ही खाया, कल गार्लिक ब्रेड भी खाया और पिज़्ज़ा भी खाया। हाँ तो भाई अब बजे रात के 10 कुछ, बहुत रात हो गई, बहुत ज़्यादा रात हो गई। और हम एक्चुअली रात रात में बातों बातों में गलत रास्ते पे आ गए, मतलब बहुत गलत रास्ते। मैंने रास्ते से याद किया था। अच्छा बताओ यहाँ से कहाँ जाना है? हमें सीधे जाना है। अच्छा तुमने कहाँ से रास्ता याद किया था? मैंने बिल्कुल सही रास्ता। अच्छा ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही रास्ता याद किया था। मान जाइए आप लोग भी, तुम मान जाओ। हाँ मैं मान जाऊँ। ठीक है मैंने रास्ता सही याद किया था, गूगल मैप ने गलत बताया। गूगल मैप ने सच बताया। हाँ सच में सच में गलत बताया गया। बहुत थक गए, हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है। हम घर पहुँचते रहा हूँ 11 बज जाएंगे, 11:30 बज जाएंगे आपसे। सही आई थी मैं एकदम सही बताया था, हमें नहीं पता था रास्ता, गूगल मैप को रास्ता नहीं पता था। हमारी बिल्डिंग ने एकदम तैयार कर लिया था। बताओ बता दो, आप सबको बता दो। भरोसा ही नहीं है, मैंने बोला था एक मॉट मिल जाते बट फिर भी नहीं आ गए, अब हम फिर वापस जा रहे हैं। मैंने पढ़ा था अपनी आँखों से। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें पढ़ा दो मैं बता दूँ। आए बड़े एक ही यूटर्न लिया हमने, यूटर्न में वापस वहाँ पहुँच गया। हाँ हाँ ले लो एक यूटर्न हुआ। ज़्यादा मत बोलो। ज़्यादा मत बोलो भाई, शॉर्ट देख लो तुम इस इंसान की शॉर्ट देख रहे हो। जल्दी रोड पे नींद आ रही है, अभी 10:30 बजे और 10:30 बजे में नींद आ रही है। बताओ हाँ बंदू का एग्ज़ाम है। सो गाइस वी वांट बी इतना एक्टिव नाउ बिकॉज ऑफ माय एग्ज़ाम। ठीक है मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट है, मोस्ट प्रॉब्ली दिस दिन ये व्लॉग अपलोड होगा, उस दिन मेरा पहला एग्ज़ाम होगा। तो हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट घर। मैंने प्रियंका को ड्रॉप कर दिया है, माना देर हो गई, 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज चुके हैं रात के। फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो हम ब्लॉग कर रहे हैं एंड। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना, करो ना। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट करके जाना कि ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है तो बाकी वरना मिलते हैं बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट।